हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का जब हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इट सेज दैट What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? तो अब जो हम horizontal line draw करते हैं, ये हमारी क्या है? Horizontal line, है ना? Horizontal line को हम लोग क्या बोलते हैं? X-axis। तो जो हम horizontal line draw करते हैं, उसका नाम क्या है? X-axis। So you can write that the name of horizontal line drawn, name of horizontal line drawn is x-axis. और जो हम vertical line draw करते हैं, इसका नाम क्या होता है? y-axis. इसका नाम क्या होता है? y-axis. So we can write that name of हॉरिजॉन्टल लाइन इज क्या है आपका? एक्स एक्सिस, एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, सॉरी लाइन, वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ओके, तो जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उसका नाम क्या होता है? एक्स एक्सिस। और जो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उस लाइन का नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। ओके, नाउ सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू लाइन। ये जो दो लाइन है, ये जो प्लेन, जो इनके चार पार्ट होते हैं, मतलब जितने भी पार्ट होते हैं प्लेन के, उनके नाम क्या हैं? तो आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि जो चार पार्ट होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं? क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अगेन आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। इस वाले का नाम क्या होगा? पहला वाला क्या है? ये क्वाड्रेंट 1। यहां पे एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट सेकेंड। यहां पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, फिर ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेंट थर्ड। यहां पे एक्स क्या है आपका? नेगेटिव, और वाई भी आपका क्या है? नेगेटिव। और ये वाला क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट फोर्थ। यहां पे एक्स आपका पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू लाइंस? तो नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, या क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन आर क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर का। अब थर्ड पार्ट में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट। तो ये लाइन देखो, आई टोल्ड यू इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है लाइन? दिस पॉइंट। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो थर्ड पार्ट में नेम ऑफ द पॉइंट, व्हाट यू विल राइट थर्ड पार्ट में? ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में नेम ऑफ द पॉइंट, point where these lines intersect is called origin। क्या बोलते हैं उसे हम? origin। वो point जहां पे ये line intersect करती है, उस point को हम क्या बोलते हैं? origin। और origin के coordinates क्या होते हैं? 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं?
0, 0, ये हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में हमें ग्राफ दे रखा है। तो पहले वो वाला ग्राफ बना लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर टू में हमें ग्राफ दिया होगा। ओके, ग्राफ क्या है? ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको पहले वही नंबरिंग करना जैसे करनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर ऊपर को भी 1, 2, 3, 4 ऐसे नीचे पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब जो बुक में ग्राफ बना हुआ है उसके हिसाब से हम बना लेते हैं। ओके, तो कहां से आपका है, ये एक आपका है -5 और ये 2 से होते हुए एक, इस पॉइंट को इन्होंने बी नाम दिया है और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है डी, ठीक है। दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हमारा बी मिल गया हमें और एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, डी। फिर इन्होंने यहीं से नीचे तक लेके आए हैं इधर 3 तक, तो 3 को नीचे एक्सटेंड किया है ये यहाँ तक। इस पॉइंट का क्या नाम है, एच, इस पॉइंट का क्या नाम है, एच। फिर है -3, 5, ये वाला पॉइंट देखा है ऐसे और ये ऐसे, इस पॉइंट का क्या नाम है, ई, इस पॉइंट का क्या नाम है, ई। फिर अगला पॉइंट उन्होंने लिया है इस पॉइंट का क्या नाम है, सी, और एक पॉइंट इस पॉइंट का क्या नाम है, जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले ऐसे आओगे, एक्स कितना है -5, वाई कितना है 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो गए, -5, 2, ठीक है, -5, 2 हमेशा पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। फिर आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ c, सेकंड पार्ट। अब c के कोऑर्डिनेट क्या है, c कहां पे है, ये ना, तो कितना है 5, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे -5, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, -5, c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, -5, ठीक है। फिर आपका क्या पूछ रहा है, लोकेट -3, -5, अब -3, -5 की पोजीशन क्या है, तो पहले -3 पे क्या बोल रहा है, -3, -5, तो पहले x फिर y, पहले x पे आओ -3, अब -5 है तो 5 नीचे जाओ -5, ये हो गया, तो क्या थर्ड, तो -3, -5 किसकी पोजीशन है, वो E की पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, E की पोजीशन है, ठीक है। फिर 2, -4, अब x पे 2, 1, 2,
4, 1, 2, 3, 4, 2, minus 4 किसका हो गया? G का 4th, 2, minus 4 किसका हो गया? G का, देखो 2, क्योंकि क्या है आपका 2 है, तो plus 2 तो इधर को जाओगे, फिर minus 4 है, y minus है तो नीचे को गए हम लोग, ठीक है, अगर minus 2 होता तो इधर को आते, plus 4 होता तो ऊपर को जाते, अगर y negative है तो नीचे, y positive है तो ऊपर जाओगे, x negative है तो इधर, x positive है तो उधर, तो यहाँ पे 2 है, x positive है, 2 उधर को गए, फिर minus 4, इसका मतलब y negative है तो 4 नीचे गए, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया? G पॉइंट मिल गया। फिर क्या बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट में, एब्सिसा ऑफ डी, एब्सिसा ऑफ डी। अब देखो जब हमने बोला एब्सिसा, व्हेन वी आर सेइंग वर्ड एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, हमें केवल एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, एब्सिसा में हमें किस एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, केवल एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, और अगर ऑर्डिनेट बोला है तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, एब्सिसा ऑफ डी, तो डी का एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो इसका मतलब हम क्या लिख लेंगे, एब्सिसा ऑफ डी इज कितना, 6, ओके। इसी तरीके से ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहां पे है आपका, ये रहा ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कितना है, -3 इज -3, एच का ऑर्डिनेट क्या है, -3, ऑर्डिनेट में हम वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है सेवंथ में, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, अब एल इसमें है नहीं यहाँ पे, या फिर मैंने डायग्राम देखा नहीं, जो भी अब जो से कोऑर्डिनेट ऑफ एल है तो जो भी एल पॉइंट इसमें दिया होगा बुक में, या तो ये दिया होगा, या जो भी एल पॉइंट और जो भी एम पॉइंट है उसके आप कोऑर्डिनेट में जब भी पूछा जाए कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों एक्सिस लिख दोगे, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द बुक, मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था तो एल और एम में मार्क करना भूल गया है, तो जब आप बुक देखोगे उसमें एल और एम पॉइंट दिए होंगे, सपोज कोई भी पॉइंट हो सकता है, मान लो ये है, सपोज आई एम टेकिंग, ये मान लो एल पॉइंट है, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, हाँ, तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 2, अब वाई पे तो है नहीं तो वाई एक्सिस पे क्या हो गया 0, तो एल के कोऑर्डिनेट उससे आपसे क्या हो जाएंगे 2, 0, ठीक है। इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, ओके। Now let us move to exercise 3.3. अब 3.3 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसमें बस हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग कोऑर्डिनेट लाए, तो पहला क्या है, सारे क्वाड्रेंट को हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, -2, 4, फिर दूसरा क्या है 3, -1, 3, -1, फिर क्या है -1, 0, -1, 0, फिर क्या है 1, 2, 1, 2, फिर क्या है -3, -5, -3, -5, ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब हमें ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं, तो बहुत सिंपल है, पहले अभी अपना डायग्राम बना लेंगे जो आपको पता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट 1 को, क्वाड्रेंट जो है ना क्वाड्रेंट को आई एम राइटिंग एज क्यू, एक थोड़ा छोटा पढ़े, तो ये क्या हो गया हमारा Q1, यहाँ पे x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये याद रखना, Q2 में x नेगेटिव y पॉजिटिव, Q3 में x नेगेटिव y नेगेटिव, Q4
Q4 में H पॉजिटिव Y नेगेटिव। अब आप सॉल्व कर लोगे, यहां पे देखो X नेगेटिव है Y पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? क्वाड्रेंट सेकंड में हो गया। तो आप लिख लोगे, कैसे लिखोगे इसको? इट लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड, इट लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। फिर ऐसे 3, -1 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या? इट लाइज इन क्वाड्रेंट 4। अब नेगेटिव 0 मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका? ऐसे इट लाइज इन क्वाड्रेंट 2। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट 1, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? क्वाड्रेंट 1। फिर नेगेटिव नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? क्वाड्रेंट 3, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये आप पहले ग्राफ बना लोगे, उसमें क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 लिख लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इसका कि आपको ग्राफ बनाना है, आपको क्वाड्रेंट दे दिए हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस बारे में कुछ नहीं है, आपको x दे दिया है और y दे दिया, ठीक है। तो x क्या है? -2, 8, -2, 8, फिर -1, 7, 0 पे 1.25, 1 पे 3, 3 पे -1, ठीक है। तो आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो आप सिंपल जैसे ग्राफ बनाते हो वैसे आप ग्राफ बना लोगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सबसे पहले क्या है? x y -2, 8, तो x -2, तो अब -2 पे आए और y 8, तो ये हो गया पहला -2, 8, ठीक। फिर -1, 7, तो -1, 7 ये वाला हो गया, ठीक है। तो -1, -1, 7, -1 और 7, फिर 0, 1.25, तो ये तो 0 हो गया x एक्सिस, और y पे कितना? 1.25, तो 1.25 लगभग यहाँ आ गया, ये हो गया 0, 1.25, फिर 1, 3, 1, 3, ये क्या हो गया? 1, 3 हो गया, फिर 3, -1, तो 3 और -1 ये हो गया, तो 3, -1। अब इनको ज्वाइन कर दो, कौन कितने स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, कितने स्ट्रेट लाइन में। ग्राफ बनाना था, आपने कोऑर्डिनेट सारे लोकेट कर दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 हो गई। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। ओके।